हसन, इंडिया के हवाले से थोड़ी सी बात करते हैं. एक लव हिट रिलेशनशिप है आपका इंडिया के साथ, अब तो ससुराल भी इंडिया में ही है. सो ये जो लव हिट रिलेशनशिप है, इसको हैंडल कैसे करते हैं? देखिए, ये बहुत इजी नहीं है कि आपको इस तो किस तरह हैंडल करते हैं. देखिए, दो कंट्रीज के लोग जो है वो आपके पीछे लगे हुए होते हैं. अगर आप परफॉर्मेंस दें तो भी वो आपको जो है वो आपको बहुत सहराते हैं. अगर आप परफॉर्मेंस नहीं दें तो फिर भी आपको बहुत वो गिराते हैं. तो इट्स नॉट सो इजी. लेकिन यह है कि एज ए प्रोफेशनल आपको ये हैंडल करना ही पड़ता है. और बिल्कुल, मैं और मेरी वाइफ जो है वो मिलके इसको हैंडल कर रहे हैं. और कोशिश हमारी यही है कि हम इसी तरह प्यार मोहब्बत से रहें और पाकिस्तान इंडिया का जो लव है वो जो इसी तरह जो है वो बरकरार रहे और जो मुश्किलात पाकिस्तान और इंडिया के अंदर हैं वो जल्द से जल्द खत्म हो. बिल्कुल, वो खत्म होने भी चाहिए. और आप लोगों ने तो सामने की एग्जाम्पल सेट कर दी है, या जिस तरह शुएब ने के एग्जाम्पल सेट की हुई है. बट जब वैसे जब इंडिया खेल रही होती है या पाकिस्तान, ऐसा हुआ भी मौका जब इंडिया पाकिस्तान आमने सामने हो और आप लोग तो बैठ के देख रहे हो मैच? हाइलाइट्स देखी हमने. आई स्टिल रिमेंबर के वो चैंपियन ट्रॉफी की जो फाइनल था उसकी हाइलाइट्स हमने देखी थी. और मुझे मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरी वाइफ जो वो इंडिया को सपोर्ट कर रही बिकॉज ऑफ मी. ऑब्वियसली मैं खेल रहा था तो बिल्कुल उसने मुझे अप्रिशिएट किया कि क्या बात है. बट एक जहाँ पे उसने मुझे टॉन्ट भी मारा कि आप कभी भी हमसे वर्ल्ड कप में कोई मैच नहीं जीते. तो मैंने बोला कि आईसीसी की किसी टूर्नामेंट में हम मैच नहीं दे, बट ये आईसीसी की चैंपियन ट्रॉफी है. बट शी सेड कि नहीं, वर्ल्ड कप में आप जब मैच जीतोगे तो फिर हमें बताना. तो ये नोक जोक जो है वो चलती रहती है. ये तो मजे की नोक जोक है. ये दिस इज स्पाइस ऑफ लाइफ. बट रोहित शर्मा को बोलिंग करना कितना मुश्किल है हसन आपके लिए? ही इज वेरी गुड प्लेयर. ऑनेस्टली ही इज वेरी गुड प्लेयर. और मैंने उसको 3-4 बार उसको बॉलिंग की है. मुश्किल है. और मुझे आई थिंक इसी सीजन में एक लड़के ने पूछा कि आपको कौन सा ऐसा प्लेयर है जो डिफिकल्ट लगता है जिसको बॉलिंग करना है. तो मैंने उसको बोला कि यार सबसे पहले तो रोहित शर्मा है और फिर उसके बाद विलियमसन है. ये ऐसे प्लेयर हैं जिनको मैंने बॉलिंग की है और मुझे लगा कि यार इनको इतना ईजी नहीं है बॉल करना. आप इनको हर बॉल जो है वो सोच समझ के करना पड़ेगा. बिल्कुल, दे बोथ आर ग्रेट प्लेयर और उनकी बहुत सारी परफॉर्मेंसेस हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में. और ये फैक्ट है कि दे आर गुड प्लेयर और आप उनको इजी बॉल जो है वो नहीं कर सकते. जिस तरह आपने विलियमसन की बात की है, अभी जिस तरह विलियमसन खेल रहे हैं, मतलब इतने वो डोमिनेंट हैं, आपको लगता है इसलिए बहुत मुश्किलात हुई शाहीन और नसीम को? ऑनेस्टली मैंने इतना फॉलो नहीं किया क्योंकि एक तो टाइम का बहुत डिफरेंस है, फिर ऊपर से हमारे मैचेस चल रहे थे. बट स्कोर कार्ड देखा है. बिल्कुल, देखिए मैंने कोई मैच लाइव नहीं देखा तो मैं इतना ज्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगा इसके ऊपर. और मुझे बोलना भी नहीं चाहिए क्योंकि मैंने जब कुछ देखा नहीं है तो मैं क्या बोलूं. और बट वहाँ पे न्यूजीलैंड में मैं भी गया हुआ, वहाँ पे आपको कंडीशन थोड़ी टफ होती है बिकॉज आप यूज टू नहीं होते. आपने क्रिकेट सारी यहाँ पे एशिया में खेली होती है और वहाँ पे जब आप जाते हो तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है. और जिस तरह का हमारा बॉलिंग अटैक था, स्टिल यंग एक मोहम्मद अब्बास है जिनको एक्सपीरियंस है. शहीन नो डाउट के ही इज वेरी गुड बॉलर बट टेस्ट क्रिकेट के इतनी उनको अभी एक्सपीरियंस नहीं है. अभी आई थिंक 10-11 टेस्ट खेले हैं. फिर नसीम शाह है, वो भी अभी इतने टेस्ट खेले हुए हैं. तो नो डाउट कि हमारी बॉलिंग लाइन जो बॉलिंग लाइन है वो हमेशा से बेस्ट रही है. और जस्ट गिव देम टाइम और यही वो बॉलर हैं जो आपको जितवाते हैं और यही वो बॉलर हैं जो आपको जो हराते हैं. और नो डाउट कि उनमें बहुत टैलेंट है, बस जस्ट नीड टू गिव देम सम मोर टाइम. एंड मुझे बहुत उम्मीद है कि वो पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ जीतेंगे भी. बिल्कुल, एक्सपीरियंस जैसे जैसे आता जाएगा सीखते जाएंगे. बट आपने रोहित और विलियमसन की बात की, विराट कोहली को आसान है बॉलिंग करना? देखिए, विराट कोहली उस तरह का प्लेयर नहीं है कि वो हर्ट करे क्योंकि विराट कोहली मैच बनाते हैं और वो भी ग्रेट प्लेयर है. नो डाउट इज द नंबर वन बैट्समैन. बट इन माय पॉइंट ऑफ व्यू मुझे जो है वो रोहित जो है वो ज्यादा हर्टफुल लगा है कि वो आपको हर्ट करता है. बट विराट कोहली इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेयर. वो एक मैच को बनाते हैं, मैच को आपके हाथ से लेके जाते हैं. बट जब रोहित खेलते हैं तो वो आपको हर्ट करते हैं.
वो आपका कैरियर भी खत्म कर सकते हैं, मतलब रोहित शर्मा अगर उनका दिन हो तो आपको इस तरह मारेंगे कि आपका कैरियर भी खत्म हो सकता है। आपके इंजरी के बाद इतनी मैंने ऐसे जुमले सुने हैं ना कि हाँ जी इसीलिए इंजरी हो गई रोहित शर्मा की वजह से, तो ये तो आपने खुद ही ये बात कर दी है। देखिए ये तो बस कहने की बातें हैं कि इससे ऐसे हो गया, बट क्रिकेट है, आउट भी करते हैं हम लोग रन भी खाते हैं उनसे, यही क्रिकेट है, अप्स एंड डाउन चलते हैं। बिल्कुल यही है। बट एक चीज जो हसन मुसलसल हमारे प्लेयर्स के लिए कही जाती है कि प्लेयर्स में इनसिक्योरिटी है, इनसिक्योरिटीज हैं, और ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मेंटल स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग नहीं, मतलब एक हमारा खिलाड़ी अगर खेल रहा है तो उसको ये डर होता है कि वो या तो ड्रॉप हो जाएगा या, जबकि मुझे बेंच स्ट्रेंथ भी नहीं दिखती, ऐसा एज अ प्लेयर आपको लगता है ऐसा है क्या, डर बिल्कुल ये होता है है, मैं खेलने यहाँ में? पे ऑनेस्टली बात करूंगा, ये बिल्कुल है, प्लेयर्स इनसिक्योरिटी बिल्कुल है। देखें जब तक आपका माइंड और आपका दिल जो है वो खुलेगा नहीं, यू कांट परफॉर्म वेल, और ये मैंने बिल्कुल देखा है। और जब मैं यहाँ पे बात करूंगा, जब हमारे मिकी आथर कोच थे और सैफी भाई हमारे कप्तान थे सरफराज, तो उन्होंने हमसे यही बात की थी, मैं आपको फिंगर्स पे नाम गिनवा सकता हूँ कि जिन प्लेयरों के साथ उन्होंने ये बात की कि आप कहीं पे भी नहीं जाएंगे, हम फुली आपको बैक करेंगे, आप जिस परफॉर्मेंस दें, और आप उन डेज में देख सकती हैं कि किस तरह प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस दिया। आप ये देख लें कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में आप लोग जो है वो डेब्यू करा रहे हो प्लेयर्स के, 8वें नंबर की टीम है और आप डेब्यू करवा रहे हो प्लेयर्स के, तो इसका बिल्कुल मतलब है कि देयर इज समथिंग स्पेशल के जो आपकी मैनेजमेंट या जो आपके कोच आपका कप्तान आपको कह रहा है कि यार यू आर माई टाइगर, तुम मेरे लिए जीतोगे और तुम खेलोगे, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगी, तो फिर आपका दिल करता है कि यार मैं परफॉर्म करूं और मेरी मैनेजमेंट मुझ पर ट्रस्ट कर रही है। तो कहीं ना कहीं पे जो अभी मैं टीम में नहीं हूँ बट फिर भी ऑब्वियसली प्लेयरों से बात होती है और जो एक पता चलता है जिस चीजों से कि इनसिक्योरिटी जो है वो है यहाँ पे, लेकिन उस चीज को कम करना चाहिए और बिल्कुल आप प्लेयर को जो है वो प्लेयर को स्ट्रॉन्ग बनाए इतना कि वो खुल के खेले और आपके लिए परफॉर्म करे, और ऑब्वियसली जब परफॉर्म करेगा खुद के लिए तो उसमें पाकिस्तान की जो है वो बेहतरी होगी, पाकिस्तान जीतेगा। तो ये जो कल्चर है ये खत्म होना चाहिए और बिल्कुल इस पे मैं इसके अगेंस्ट हूँ कि आप प्लेयरों को क्यों नहीं फुली कॉन्फिडेंस देते। डेफिनेटली, मतलब आपको ये लगता है हसन कि हम एज ए नेशन बहुत इम्पेशेंट है और हमें होता है नहीं जी फॉरन करे जो करना है, टाइम नहीं देना। बिल्कुल, लेकिन ये हमारे एक ब्लड में है कि जो भी करना है फौरन करें, जिस तरह हम एकदम से प्लेयर को सर पे बढ़ा देते हैं और अगले ही मिनट्स में हम सर से गिरा देते हैं, तो ये चीजें बिल्कुल है यहाँ पे, हमें समझना पड़ेगा। और वैसे भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला है कि म्याना रवि इज द बेस्ट थिंग, कि आप म्याना रवि के साथ चलें, और बिल्कुल ये चीजें हमें करनी पड़ेंगी अगर आप चाहते हैं कि आप वर्ल्ड की जो टीमें हैं उनको कम्पीट करें, तो आपको ऐसी चीजें जो है वो करना पड़ेगी, आपको अपने प्लेयर को सिक्योरिटी देना पड़ेगी, अपने प्लेयर को कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, अपने प्लेयर्स को बड़ा बनाना पड़ेगा। अब जिस तरह हम देख रहे हैं कि शेन शाह अफरीदी इज डूइंग वेरी वेल, उसने मतलब जब से वो आए हुए हैं उन्होंने कितनी परफॉर्मेंस दी, अगर न्यूजीलैंड में अगर वो 5 आउट नहीं कर सके तो अब सोशल मीडिया पे उनको उड़ाया जा रहा है कि इज नो मोर, ही डजंट नो हाउ टू डू बॉल, तो ये चीजें जो है वो कम होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आपको, हम बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी हमारी, हम भूल जाते हैं क्या क्या किया हुआ इन प्लेयर्स ने,